मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इस दौरान सीएम ने सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने चित फंड के हितग्राहियों को राशि लौटाने का काम करना शुरू कर दिया है। राजनांदगांव जिले के हितग्राहियों की सरकार ने 19 करोड़ रूपए वापस कराए हैं। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में हुए राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन को लेकर भी बयान दिया है। इस दौरान स्थानीय विधायक दलेश्वर साहू समेत अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। गरीब जनता का पैसा है, राशन कार्ड है, आम जनता का पैसा है, ये चीट फंड कंपनी है वो आम जनता का पैसा है। कितने पत्रकार होंगे, कितने कर्मचारी अधिकारी होंगे, कितने किसान, कितने मजदूर, कितनी महिलाएं हैं जो चीट फंड कंपनी में पैसा डाले। 6,000 करोड़ से अधिक की राशि छत्तीसगढ़ से गया। मैंने इसी ने कहा ईडी क्यों जाँच नहीं करती, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ इसमें, तो इसमें जाँच नहीं होती। बजट में घूम रहे गली गली,